वीडियो बात करेंगे अपने एक और लाइव विनिंग प्रूफ की, मेंबर्स की विनिंग में मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बिजी शेड्यूल की वजह से कल हमने कम इन्वेस्टमेंट किया था। यहाँ पे देख सकते हो हमने 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 67,500 की विनिंग की और 42,500 का हमको प्रॉफिट हुआ। कल के टीम कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ, कैप्टन हमने बनाया था ईशान किशन को, वाइस कैप्टन हमने बनाया था रोहित शर्मा को। इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट बॉलर्स भी हमारी टीम में थे, प्लस सारे इंपॉर्टेंट बैट्समैन भी हमने अपनी टीम में लिया था। अगर आपने विराट कोहली को अपनी टीम में लिया था और कैप्टन बनाया था तो आपने कोई गलती नहीं की थी, क्योंकि कैप्टन की नंबर वन चॉइस विराट कोहली ही थे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लॉस हो गया, आपने बिल्कुल सही किया। हम लोग न्यूज़ के बेसिस पे काम करते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में हम लोग इररेलीवेंट रिस्क नहीं लेते हैं। हमको भी पता था कि टॉप ऑर्डर में कोई एक बैट्समैन आउट होने वाला है, न्यूज ये नहीं पता था कि कौन सा इन दोनों में से आउट होगा। हम लोग न्यूज के बेसिस पे काम करते हैं, तो हम लोग हमेशा सेफ चलते हैं। विराट कोहली को स्मॉल लीग से हटाया ही नहीं जा सकता था। अगर आपने स्मॉल लीग में विराट कोहली को लिया ही नहीं तो आगे आने वाले कई मैचेस में इस रिस्क की वजह से आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी टीम में जसप्रीत बुमराह को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया था और इस वजह से अगर आप प्रॉफिट में हो तो भी आपको आने वाले मैचेज में बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कैप्टन की चॉइस थे विराट कोहली, बुमराह कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस थे ही नहीं। यानी आप अगर विन कर रहे हो इस तरीके के रेलिवेंट रिस्क लेकर के, तो ऐसा ही रिस्क आगे आने वाले मैचेस में आप लोगे। अभी आप विन कर गए होगे तो आप ओवर एक्साइटमेंट की वजह से आप अगला पिछला सब कुछ भूल गए होगे। आने वाले मैच में जब आपको लॉस होगा तो आपको ये अपनी गलती समझ में आएगी। यहाँ पे देख सकते हो बेस्ट कॉम्बिनेशन हमने बनाया। मेंबर्स की विनिंग में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ मेंबर्स की हमने 1% से भी कम मेंबर्स की विनिंग हमने यहाँ पे शेयर की, केवल लर्निंग के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और मैच की विनिंग दिखा देता हूँ। 2 मैच में हमने कल इन्वेस्टमेंट किया था। एक रात में सेंट लूसिया T10 था, उसमें भी हमने 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। इसमें भी 42,500 का हमको प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी टीम है, आसानी से इस कॉम्बिनेशन से हमने विन किया। ये हमारे ओपोनेंट की टीम है, यहाँ देख सकते हो एक और ओपोनेंट की टीम है। तो इस तरीके से हमने कल टोटल 85,000 का प्रॉफिट कमाया, 25,000 रुपया मात्र लगा करके। अब यहाँ पे कुछ मेंबर्स की विनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी विनिंग है, उसके बाद कुछ मेंबर्स की विनिंग। इन्होंने 7 के 7 कॉन्टेस्ट विन किए, इन्होंने 13,000 लगा करके 26,000 रुपया प्रॉफिट कमाया, 40,000 की विनिंग थी। अगर ये भी चाहते तो एक मैच में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लगा सकते रहे, इनकी भी लिमिट कम नहीं है। लेकिन हम लगाने नहीं देते हैं, क्योंकि हमको आपको जुआरी नहीं बनाना है। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा लॉस। और आपको पता है कि अगर आप सागा फ्लैशबैक के मेंबर नहीं हो, 10 मैच में से आप केवल 2 मैच से ज़्यादा विन नहीं कर पाओगे। तो अभी तो आप अगर 2 मैच में जब आप विन कर रहे हो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, तो आप बहुत खुश हो। लेकिन आगे आने वाले मैचेस में आप 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का आपको लॉस भी तो होने वाला है। तो आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना छोड़ देना चाहिए अगर आपको सागा फ्लैशबैक की तरह प्रॉफिट कमाना है। यहाँ देख सकते हैं इन्होंने विजन 11 में इन्वेस्टमेंट किया था, इन्होंने भी क्लीन स्वीप किया। इन्होंने 2,000 लगा करके 5,000 विन किया, 3,000 का प्रॉफिट। 3,000 का प्रॉफिट भी कम नहीं होता है, आपको पैसे की वैल्यू होनी चाहिए। 7,000 लगा करके इन्होंने 16,800 रुपये विन किया, 9,000 का प्रॉफिट हुआ इनको। इन्होंने विनिंग की 5,000 रुपये की। ये हमारी विनिंग है। कुछ और मेंबर्स की विनिंग हमने शेयर की है। इन्होंने 580 मात्र लगाया, 1588 की विनिंग हुई, 1,008 का प्रॉफिट हुआ। हम लो इन्वेस्टर्स की विनिंग ज़्यादा शेयर करते हैं इस पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा प्राइम टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपने प्राइम मेंबर्स की विनिंग हम शेयर करते हैं, जो एक एक मैच में 50 लाख, 60 लाख ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं हमसे कंसल्ट करके। मतलब हर मैच में नहीं, हम उनको बताते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करना है। उनका बजट भी है 10 करोड़, 20 करोड़, ऐसे उनका बजट है। अब यहाँ पे इन्होंने 12,800 का इन्वेस्टमेंट किया, 38,000 रुपये की विनिंग की, 25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इन्होंने कल ही हमसे मेंबरशिप ली थी, और जिस दिन उन्होंने हमसे मेंबरशिप ली उसी दिन उनका लगभग मेंबरशिप का जो फीस है उसका पैसा इन्होंने वसूल कर लिया। इसको कहते हैं कैलकुलेशन आना। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। इन्होंने 1,000 विन किया, 387 लगा करके, तो कम प्रॉफिट नहीं है ये भी। इन्होंने 10 के 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, 35,000 रुपये की विनिंग की। जितना भी लगाया होगा 8-9 हज़ार, 10 हज़ार लगाया होगा इन्होंने, 20-25 हज़ार रुपये प्रॉफिट इनको भी हुआ। इन्होंने 7,000 लगा करके 18,000 रुपये की विनिंग की। इनका स्क्रीनशॉट है, ये 38,000 वाले का स्क्रीनशॉट है, ये 1,000 वाले का है, ये 35,000 वाले का है, ये 18,000 वाले का है। तो इस तरीके से रैंडमली हमने शेयर किया है।
पेड मेंबरशिप की बात की जाए, हमारा एकमात्र व्हाट्सएप नंबर है 9140233474। हमारा पेड मेंबरशिप का चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा है और आपके पेड मेंबरशिप लेने से हमको 1 रुपए का ही बेनिफिट नहीं होता है, आपके बेनिफिट के लिए हमने रखा है, क्योंकि हम लाखों रुपए पेमेंट करते हैं न्यूज कलेक्ट करने के लिए। आजकल न्यूज कलेक्ट करना बहुत कॉस्टली होता जा रहा है, इसीलिए हमारी मेंबरशिप की फ़ीस भी बढ़ती जा रही है और वो कभी कम नहीं होगी। हम किसी को भी डिस्काउंट नहीं देते हैं क्योंकि हमको पेड मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है, पेड मेंबर्स को हमारी ज़रूरत है क्योंकि वो लॉस में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जो आज से 5 साल 6 साल पहले हमसे मेंबरशिप लेने आए थे, 5,000 10,000 रुपये का बजट लेकर के आज लाखों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनको पता है सागा फ्लैशबैक के अलावा उनको कोई प्रॉफिट नहीं करवा सकता है। अगर आप हमारे रूल्स को फॉलो करोगे, हर एक चीज़ पूछ के करोगे, आपको कभी भी लॉस हम नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप अपने मन का काम करोगे, बिना डिस्कस किए हर एक मैच में अगर आप बिना डिस्कस किए कर रहे हो, फीडबैक टाइम पर नहीं दे रहे हो, इररिलेवेंट मैसेज कर रहे हो, तो आप चाह के भी विन नहीं कर पाओगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका होस्ट दोस्त अंकुर साइनिंग आउट। बाय बाय।